स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये रिंग थ्योरी का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है। रिंग थ्योरी में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू रिंग, दूसरा इंटीग्रल डोमेन, फील्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, होमोमॉर्फिज्म, आइडियल्स एंड कोशेंट रिंग। देखिए, आप रिंग थ्योरी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो रिंग थ्योरी में जो पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू रिंग है। आपने इसी तरह ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, तो ग्रुप थ्योरी में भी जो आपका पहला टॉपिक था वो ग्रुप, उसका इंट्रोडक्शन हुआ होगा। फिर उसके बाद कोशेंट ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या होते हैं, इस तरह इसमें भी आगे आपको सब रिंग मिलेंगे, आइडियल्स के कॉन्सेप्ट हैं। अगले यूनिट में आप फिर कुछ नई चीज़ें जानेंगे। रिंग थ्योरी के लिए अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो बुक है रिंग थ्योरी के लिए वो जोसेफ मैकगैलियन के नाम से आती है, और दूसरी जो बुक है उसके लिए एआर और सिस्टा की बुक आती है। जोसेफ मैकगैलियन की बुक कुछ इस टाइप की है। ये बुक कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप आगे आईआईटी एग्जाम, सीएसआई नेट एग्जाम जैसे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बुक हेल्पफुल है। और ये बुक तभी लें जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो, जो कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कोई भी लोकल बुक लग रही होगी, जैसे डीडीयू में वंदना प्रकाशन लगता है और भी कई प्रकाशन है, उनको पहले आप वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जब वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब इस बुक को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी जो बुक है वो मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से है, मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से है, एआर वशिष्ठा की बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है, ये आपके यूनिवर्सिटी में भी काम आ जाएगा और कंपटीशन के लिए। इसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। एआर कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसी बुक को पढ़ा है, तो इस बुक को भी आप ले सकते हैं। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। और आपके जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी बुक लग रही है सबसे पहले तो आप उसी को फॉलो करें, उसी को पढ़ें, उसके बाद इन बुक को लें। जोसेफ मैकगैलियन तो बहुत ही अच्छी बुक है, बट इसमें क्या है कि हर चीज़ें शॉर्ट में दी हुई है, शॉर्ट में दी हुई है। तो मान लीजिए आपने बुक ले लिया, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है वो आपके लोकल बुक से आप पहले क्लियर कर लीजिए, या फिर ये एआर वशिष्ठा लीजिए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, बेसिक से दिया हुआ है। एक ही बुक लीजिए, इससे आपका यूनिवर्सिटी का भी काम हो जाएगा और आपके कंपटीशन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये दोनों बुक अच्छी है, जो भी आप बुक लेना चाहें ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिंग, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रिंग थ्योरी का पहला लेक्चर, डेफिनेशन शुरू करते हैं रिंग थ्योरी। तो देखते हैं डेफिनेशन। अ सिस्टम आर प्लस डॉट consist of non-empty set R and two binary operation, addition and multiplication. देखिए, plus को हम addition कहेंगे और dot को हम multiplication कहेंगे respectively, is called ring if it satisfies following condition. देखिए, सबसे पहले इस R plus dot को हम ring कब कहेंगे? सबसे पहले ये R है, ये non-empty set है, ये R एक non-empty set है। अब non-empty set क्या होता है? empty set का मतलब समझते हैं कि set खाली है, उसमें कोई भी element नहीं है, तो नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि उसमें एलिमेंट होंगे। अब एलिमेंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं या तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो वो मैटर नहीं करता कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हाँ वो सेट होना चाहिए और वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया एंड टू बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए, जब ग्रुप पढ़ते थे तो ग्रुप में ये नहीं जरूरी था कि वहाँ पे स्टार लिखते थे, एडिशन मल्टीप्लीकेशन इन जनरल डेफिनेशन में तो नहीं लिखते थे। जब जनरल डेफिनेशन लिखते थे तो वहाँ पे हम लोग स्टार लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो फिक्स है, एडिशन ही और डॉट मल्टीप्लिकेशन, यही दोनों ही यूज होगा, दोनों ऑपरेशन। देखिए, ग्रुप में यहाँ पे एक ही ऑपरेशन लेके चलते थे, यहाँ पे दो ऑपरेशन चलेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन फिक्स है, यही दोनों ऑपरेशन ही काम करेंगे बस। तो पहला हो गया एडिशन, दूसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टम है आर प्लस डॉट, इसे हम रिंग कब कहेंगे? जैसे ग्रुप में कहते थे कि कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते, इसी तरह रिंग में भी कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तब हम उसे रिंग कहेंगे। अब जो पहला कंडीशन है रिंग बनने के लिए, वो सबसे पहले देखिए दो ऑपरेशन है, तो हम एडिशन वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इस सेट R को अबेलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा। अब हम कंडीशन क्या है कि R प्लस इज अबेलियन ग्रुप, तो अगर R प्लस अबेलियन ग्रुप कब बनेगा? जब उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। अब अबेलियन ग्रुप कैसे होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, तो ग्रुप होता है। और जब कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है तो फिर कहते हैं कि वह अबेलियन ग्रुप हो गया। तो आइए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेट के किसी भी दो एलिमेंट को लें, सेट के किसी भी दो एलिमेंट को लें, उनके बीच दिए गए ऑपरेशन को ऑपरेट करें।
क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, मतलब किसी भी दो एलिमेंट को चूज करें उस सेट का ही, उस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए और दिए गए ऑपरेशन को ऑपरेट करें। देखिए एडिशन ऑपरेशन को हमने लगाया है बीच में, तो ये जो ऐड करने पे जो एलिमेंट मिलेगा वो भी उस सेट में ही जाना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ये आपने ग्रुप में भी पढ़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल तो मान ली हमने एक एलिमेंट वन लिया और एक एलिमेंट टू लिया, ठीक है, सपोज दैट मैंने वन और टू लिया, तो वन और टू के बीच हमने ऑपरेशन लगाया एडिशन का, थ्री मिला। जैसे ये थ्री मिला तो थ्री भी आपका जाना चाहिए इस सेट आगे, बिलोंग करना चाहिए, ये मतलब है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया, इसे आप मत नोट करिएगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा था, ये जनरल डेफिनेशन है तो आपको जनरल ही। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें कम से कम तीन एलिमेंट चाहिए, कम से कम कोई भी तीन एलिमेंट ले सकते हैं लेकिन तीन एलिमेंट चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तीन एलिमेंट है आपके। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए सबसे पहले बी और सी को एक साथ दिया गया है, तो ये क्वांटिटी अगर जब हम ए प्लस बी को एक साथ लें और सी को बाहर कर दें, दोनों इक्वल हो जाए, अगर दोनों एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाए, तो मतलब ये कंडीशन को हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। एक बार बी प्लस सी को एक साथ एक ब्रैकेट में लें और फिर दूसरी बार हम सी को बाहर करें और ए और बी को एक साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या चीज होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप जानते होंगे, किसी भी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो वही एलिमेंट आ जाए। जैसे आपने जानते होंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आपने ग्रुप थ्री में पढ़ा होगा कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो ही उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, तो चूंकि यहाँ ऑपरेशन एडिशन का चल रहा है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेंगे, जीरो लेंगे। देखिए लिखा है मैंने देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर, ये जीरो इसमें बिलोंग होना चाहिए, अगर जीरो बिलोंग ही नहीं करेगा तो फिर कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी। देयर एग्जिस्ट और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि तीन चार आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, तो जीरो ही सिर्फ यूनिक होता है। और जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब देखिए यहाँ पर ए प्लस जीरो लिया है, जीरो प्लस है, देखिए ये ए जो है उस आर का एलिमेंट है, ए जो है उस आर का एलिमेंट है, जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका एलिमेंट है। और देखिए जब a प्लस जीरो कर रहा है, चाहे हम जीरो को लेफ्ट साइड कर रहे हैं चाहे राइट साइड कर रहे हैं, हमेशा हमको a ही मिल रहा है, तो ऐसा होने पे इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी को ही हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होती है, कि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट मिले कि जब उस एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ ऐड करें तो वो जीरो हो जाए। मीन्स कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम आपने एक एलिमेंट चूज किया ए, ठीक है, तो ए को किस एलिमेंट के साथ ऐड करें कि वो आइडेंटिटी दे, और आइडेंटिटी आपको पता है कि जीरो है, एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो ही होगी, तो जीरो है यहाँ पे, तो आपको पता है ए के साथ अगर हम माइनस एक को ऐड करें तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस ए को हम कहेंगे कि इस ए का इनवर्स एलिमेंट है, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ये जो इनवर्स एलिमेंट मिल रहा है वो हर एक एलिमेंट के लिए मिलना चाहिए, इसलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच का मतलब कि आर में मान लीजिए 10 एलिमेंट है तो 10 के इनवर्स मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो का मिला दो का मिला ही है, तो सबके मिलने चाहिए, तो सबका मिलेगा तो ही हम कहेंगे कि उसका इनवर्स एलिमेंट सबका एग्जिस्ट है, ठीक है। तो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस इक्वल टू जीरो, ये हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ग्रुप तो फॉर्म हो गया, बट हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है। अब अबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता है कि पांच प्रॉपर्टी होती है, तो अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि सेट के किसी भी दो एलिमेंट को लें और उनके बीच दिए गए ऑपरेशन को ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, दोनों बराबर आने चाहिए। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी किया फिर बी प्लस ए किया, दोनों तरफ देखिए ए प्लस बी इक्वल टू अगर बी प्लस ए हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब जो पहला कंडीशन, देखिए आर वन का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट कंडीशन है, जैसे आप कहते थे फर्स्ट, उस फर्स्ट की जगह इस R1 नाम दे दिया गया है क्योंकि रिंग चल रहा था, वहां पर R1 कंडीशन दिया गया है। इस तरह हम कुछ और कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ये R1 कंडीशन ऐसे R2 कंडीशन होगी। अब देखिए एडिशन के बारे में तो हो गई बात, अभी डॉट वाला ऑपरेशन बचा हुआ है, आइए कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं रिंग की। ये टोटल पांच प्रॉपर्टी हो गई है, और भी इसकी प्रॉपर्टी है, आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है रिंग की। तो दूसरी कंडीशन जो है वो R2, जो कि R dot is a semi group, तो R देखिए dot के operation के respect में हमें semi group दिखाना है। पहली condition थी उसमें हम addition के respect में abelian group दिखा रहे थे, अब जो दूसरी condition है उसमें हमको दिखाना है कि
मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन, दो ऑपरेशन था तो दूसरा जो ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है वो सेमी ग्रुप का होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, देखिए ग्रुप जो होता है वो टोटल चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। सेमी ग्रुप है तो हाफ प्रॉपर्टी मीन पहली दूसरी प्रॉपर्टी, पहली कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। अगर कोई भी ग्रुप, कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। अब सेमी ग्रुप दिखाना है तो दो प्रॉपर्टी दिखानी है, बट यहाँ ध्यान रखिएगा ऑपरेशन डॉट का चल रहा है तो जो भी ऑपरेशन, अब जहाँ जहाँ एलिमेंट आएंगे जो ऑपरेशन लगेगा हर जगह डॉट का ही लगेगा। तो अब सेमी ग्रुप पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है तो हम कोई भी दो एलिमेंट लें उनके बीच ऑपरेशन ऑपरेट करें तो जो आउटपुट मिले वो भी उस सेट में ही जाना चाहिए, जैसा कि हमने एडिशन वाले ऑपरेशन में दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, मींस देखिए यहाँ ऑपरेशन डॉट का आ गया क्योंकि डॉट का ऑपरेशन चल रहा है, मतलब जब ऑपरेट करें तो उसी में जाए। जैसे यहाँ पे एडिशन का चल रहा था ऑपरेशन इसलिए एडिशन यूज हुआ है और यहाँ पे डॉट का चल रहा है इसलिए डॉट यूज हुआ है। तो दूसरी है वो एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए बताया था कि कम से कम तीन एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी तीन एलिमेंट लेकिन तीन एलिमेंट चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट, देखिए सबसे पहले बी डॉट सी किया गया है उसको फिर ए डॉट से ऑपरेट किया गया है, इसी तरह ए डॉट बी को एक साथ ऑपरेट किया गया है फिर डॉट सी किया गया है, मतलब जब एल एच एस और एच एस दोनों बराबर हो जाए तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। ये डॉट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में। सेमी ग्रुप भी सब दिखाना है तो हमसे दो प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब जब डॉट वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो आर जो नॉन एम्प्टी सेट है वो सेमी ग्रुप फॉर्म हो गया। तो ये दो कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हो गई आर वन, देखिए कंडीशन को हम आर वन आर टू से दिखा रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। आर टू कंडीशन में अबेलियन ग्रुप दिखा दिया अंडर एडिशन, फिर डॉट वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखिए आर टू कंडीशन है इसमें हमने सेमी ग्रुप दिखा दिया। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से है जो कि आखिरी कंडीशन है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दो होता है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए कम से कम तीन एलिमेंट चाहिए, कोई भी तीन एलिमेंट लेकिन कम से कम तीन चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हमने कोई भी तीन एलिमेंट ले लिया। फॉर ऑल लेकर सब कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर तीन एलिमेंट है, फॉर ऑल है कोई भी ले लीजिए तीन एलिमेंट लेकर। अब देखिए जब हम B प्लस सी को एक साथ ऑपरेट किए हैं फिर A को ऑपरेट कर रहे हैं, जब A को लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तो हम उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। और जब देखिए यही चीज यही सेकंड वाले लिखी हुई है लेकिन A को राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, जब राइट से ऑपरेट करेंगे तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ठीक है तो देखिए A डॉट B अब ये ऑपरेट हो गया तो ब्रैकेट के अंदर ये आ गया तो A डॉट B प्लस A डॉट C, जब ये लेफ्ट से ऑपरेट होता है B डॉट A प्लस C डॉट A। ठीक है ये हो गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे कहेंगे क्योंकि लेफ्ट से ऑपरेट हुआ इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे और राइट से हुआ इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। मींस जो हमारा स्ट्रक्चर था आर प्लस डॉट उसे हम रिंग कब कहेंगे, जब ये आर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, दूसरा आर डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म करे और तीसरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। मींस देखिए अबेलियन ग्रुप के रिस्पेक्ट में कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। उसी तरह दूसरा है डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की दो प्रॉपर्टी, टोटल नाइन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मींस अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिंग बनना चाहता है तो रिंग बनने के लिए टोटल नाइन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो ये पांच ये दो ये टोटल नाइन प्रॉपर्टी। तो ये है रिंग की डिफिनेशन, अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रिंग होना चाहता है तो ये टोटल नाइन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तब उसे हम रिंग कहेंगे। तो ये है ये इसकी ओरिजिनल डिफिनेशन, जनरल डिफिनेशन है। आइए कुछ और इसके कंपोनेंट और इसके छोटे छोटे जो डेफिनेशन है इससे रिलेटेड उनको देखते हैं। तो आइए अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, अगली जो डेफिनेशन है वो रिंग से ही रिलेटेड है। तो अगली जो डेफिनेशन है उसका नाम है कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग किसे कहेंगे, देखिए रिंग अब जान लिए कि रिंग के लिए नाइन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, अब रिंग ही कम्यूटेटिव कब होगा, इसी रिंग को ही कम्यूटेटिव कहेंगे। देखिए डेफिनेशन में लिखिए आप कि अ रिंग r + डॉट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग, मतलब कम्यूटेटिव होने के लिए सबसे पहले रिंग होना जरूरी है तो हम रिंग को ही कम्यूटेटिव कहेंगे। तो सबसे पहले आप कोई रिंग लेंगे तो रिंग लेंगे इसका मतलब नाइन प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है पहले से, r + डॉट रिंग फॉर्म करेगा तो ही आगे कम्यूटेटिव वाली बात करेंगे। तो लिखेंगे अ रिंग r + डॉट
इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग। अब देखिए कम्यूटेटिव वर्ड से क्लियर है कि कम्यूटेटिव लॉ वगैरह ही होगा। आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ कब होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, डॉट के रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा है, ग्रुप में पढ़ा होगा। तो देखिए ये कम्यूटेटिव रिंग कब होगा, इफ इट सैटिस्फाई ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये प्रॉपर्टी देख के आपको याद आ रहा होगा, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग दिखा देते ग्रुप में, तो ग्रुप में जो कम्यूटेटिव लॉ दिखा देते अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो यही प्रॉपर्टी होती थी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो वही प्रॉपर्टी है। तो किसी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे जब एक प्रॉपर्टी बढ़ जाए, मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ बढ़ जाए, डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि अब टोटल 10 प्रॉपर्टी हो गई, 9 तो रिंग की ये थी पहले से, क्योंकि जो हम लोग ले रहे हैं किसी रिंग को ही हम कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे ना, तो रिंग तो पहले से 9 प्रॉपर्टी है और कम्यूटेटिव हो जाती है, इसके मतलब ये प्रॉपर्टी बढ़ गई है, टोटल 10 प्रॉपर्टी हो गई। तो अब ये तो हम इसी को कम्यूटेटिव कहेंगे कि किसी रिंग को हम कम्यूटेटिव कब कहेंगे, जब वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई कम्यूटेटिव रिंग की, अगली डिफिनेशन लिखी है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या होती है, अच्छा यूनिटी का मतलब आपको पता होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से इसका रिलेशन है यूनिटी का, ठीक है। अभी बताता हूँ डिफिनेशन में, देखते हैं हम लोग। अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ रिंग, अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ रिंग विद यूनिटी। Ring with unity if there exists an element one belongs to R such that one dot A equal to A dot one equal to A। अब ये प्रॉपर्टी आप देखिए, आप याद हो रहा होगा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब हम दिखाते थे ग्रुप, तो उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी देखिए, जब वन क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, वन डॉट ए कर रहा है ए डॉट वन कर रहा है, इसका मतलब क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी देख रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर ग्रुप थ्योरी में आपने देखा होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा देते, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, वन होती थी, सिर्फ एडिशन में जीरो होता है आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन में वन होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वन है, तो अब रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ जब वन का हम प्रोडक्ट करें तो वही सेम एलिमेंट आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी कौन रखता था मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही, तो हम कहते थे कि वन क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वन यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब हम किसी भी रिंग को रिंग विद यूनिटी कब कहेंगे, और रिंग इज सेड टू बी अ रिंग विद यूनिटी इफ एक ऐसा एलिमेंट मिले वन, ये वन बिलोंग करना चाहिए इस कार में, अगर इस कार में वन बिलोंग है और उसके साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है इसका मतलब है कि ये रिंग विद यूनिटी है, और यूनिटी क्या है, यूनिटी इस वन को ही यूनिटी एलिमेंट कहते हैं, इस वन को ही हम यूनिटी एलिमेंट कहते हैं। तो ये रिंग विद यूनिटी की डिफिनेशन, आइए अब लास्ट डिफिनेशन देखते हैं, लास्ट एक उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। आइए अब अगली डिफिनीशन देखते हैं, अगली जो डिफिनीशन है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसके पहले आपने पढ़ा कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया रिंग विद यूनिटी क्या होता है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मतलब जैसे मतलब दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ मर्ज कर देंगे, इसमें कुछ डिफिनेशन में कुछ है नहीं, दोनों जो डिफिनेशन इसके पहले पढ़े हैं तो दोनों डिफिनेशन को मर्ज कर दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है इस डिफिनेशन में, ये बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको शॉर्टकट में हम लोग सीआरयू भी कहते हैं, इसको सीआरयू भी कहा जाता है। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, और रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब किसी रिंग को ही हम बताए थे कि किसी रिंग को ही कम्यूटेटिव तभी कहेंगे जब वो रिंग होना चाहिए, इसी तरह कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के लिए भी रिंग होना जरूरी है। और रिंग इज सेट टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इफ इट सैटिस्फाई, अब देखिए दो प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव भी है यूनिटी भी है, तो दो प्रॉपर्टी हो गई, पहली क्या थी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब किसी भी दो एलिमेंट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये प्रॉपर्टी आपको देख याद आ रहा होगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी थी जो अंडर मल्टीप्लीकेशन, अभी मैंने इसके पहले जो डिफिनीशन बताया था उसमें बताया था, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए सारे एलिमेंट की होना चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड हो जाए, वही कहते भी हैं इसे। अगली जो है देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए इक्वल टू ए, ये क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, या ग्रुप में पढ़ा होगा वही प्रॉपर्टी है, अभी जो मैंने डिस्कस की थी रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन में वही वाली प्रॉपर्टी है। अब दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, तो जब कोई रिंग दोनों प्रॉपर्टी एक साथ सेटिस्फाई करे, मतलब कम्यूटेटिव रिंग भी हो जाए साथ में यूनिटी वाली प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसे जब दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड हो जाए तो उसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव इंटीग्रिटी या शॉर्टकट में कहते हैं सीआरई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम रिंग थ्योरी पे एग्जांपल देखेंगे, जो भी डेफिनेशन पढ़ा उस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे कोई हम समझिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, हमें इसे दिखाना है क्या ये रिंग होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे ही कई सारे एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे कि वो रिंग फॉर्म करेगा कि नहीं, उसे चेक करेंगे, सारी प्रॉपर्टी को लगाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।